मैं प्रदीप शुक्ला स्टडी विद प्रदीप में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि हिंदी की यूपी ट्रिपल एससी की सीरीज का हम लोग एक तरह से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और उस प्रैक्टिस सेट में आज आपका 17वां प्रैक्टिस सेट है जिसे हम लोग एग्जाम कैप्सूल नामक सीरीज में करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको करना है। आपको इस सेट में लगभग 50 प्रश्न मिलेंगे और आपको कमेंट करके बताना। हम आपको माइनूट 2 से 3 सेकंड देंगे हर प्रश्न पे विचार करने के लिए, फिर आपको बताना है कि उस प्रश्न का आंसर क्या होता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितने अचीवमेंट पे हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न है उस प्रश्न का एक काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने एक काव्यांश दिया है, उसे पढ़ करके आपको उत्तर देना है। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखलाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। अब इतनी बड़ी आपको एक वाक्यांश दिया गया है जिसमें आपको कई इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न पूछे गए हैं, उसे आपको बताना है। चलिए हम प्रश्न नीचे पढ़ते हैं। कब के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, कब के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, आपको बताना है किस बात की इच्छा कब के मन में उत्पन्न हुई है। तो आपको बताना कौन सा इसमें आपका आंसर सही। देखिए ऊपर दिया क्या है, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा कब के मन में उत्पन्न हो रही है। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, सूखे पत्ते प्रतीक हैं, कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में जो सूखे पत्ते हैं वो किसके प्रतीक हैं, तो आपको बताना मन के सूनेपन की, उसके मन में जो उदासियां हैं, जो सूनापन है, जो वो परेशान है, उसके सूखे पत्तों से उसने एक तुलना की है कि उसका मन उदास है। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, आपको बताना किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो विचारों की कलियों पर, जो उसके विचार हैं उस विचारों पर आज कलियों का आगमन हुआ है, यानी सुंदर सुंदर कलियाँ आई हैं जिसे वो पुष्प के रूप में सुगंधित करना चाह रहा है, यानी कुछ करके दिखलाना चाह रहा है अपने जीवन में। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय, कह रहा गहनता की फसल से कवि का क्या आशय, इसे आपको बताना है। तो कवि का आशय विचारों की परिपक्वता, कवि का आशय क्या है, विचारों की परिपक्वता, यानी उसका विचार अब बहुत गहन हो गया, बहुत परिपक्व हो गया और बहुत अच्छा हो गया है। दूसरा आगे बढ़ते हैं, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोकप्रिय माने जाते हैं खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि माने जाते हैं, कौन से ऐसे हैं जो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि माने जाते हैं, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होता है, यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत को दिया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत है नहीं, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो खड़ी बोली के महान कवि माने जाते हैं, पहले कवि माने जाते हैं, वो कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त को माने जाते हैं। हालांकि जो कोमल कवि खड़ी बोली के सबसे कोमल कवि माने जाते हैं उन्हें हम क्या मानते हैं, सुमित्रानंदन पंत को दिया जाता है, यद्यपि यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त। किस रस को रसराज कहा जाता है, आप पहले से जानते हैं रसों की संख्या कितनी होती, 9 होती है, और उसमें से आपसे पूछ रहा है कि रसराज किसे कहा जाता है, तो आप बताइए रसराज किसे कहा जाता है, तो रसराज किसे कहते हैं, सिंगार रस को। सिंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है, रति होता है, और उसके बाद आपको बीड रस, बीस रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उत्साह होता है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रुदन होता है, मतलब दुख होता है, और शांत रस का निर्वेद होता है, यानी शांत होता है, अस्थाई भाव होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, कह रहा है हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्न में से किस प्रकार की भाषा है, आपको बताना है किस प्रकार की भाषा है हिंदी। तो इसके बारे में जब आप विचार करेंगे तो आपको बताना है आकृति की दृष्टि से हिंदी श्लिष्ट व्योगात्मक भाषा है, कैसी है, श्लिष्ट व्योगात्मक भाषा है, आपका आंसर कौन सा सही होता है, सी सही होता है, श्लिष्ट व्योगात्मक भाषा है। चीनी भाषा मंदारिनी योगात्मक प्रकार की होती है, और द्रविड़ भाषा श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा होती है, हिंदी कैसी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी, कह रहा है कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण हैं, तो उनको आपको बताना है,
अल प्राण ध्वनियां हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है। 1, 3, 5 आपको 135 याद रखना है। इसे अल प्राण कहते हैं और 24 किसे कहते हैं, हम महाप्राण कहते हैं। तो अल प्राण ध्वनियां पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है उसे अल प्राण कहते हैं। आप इसमें जब ऑप्शन ढूंढते हैं तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो किसका मिलता है, च, ज और या का मिलता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है। जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता और दोनों मिलकर के एक अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि चतुर्भुज, चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, ठीक है। जल, जल में उत्पन्न होने वाला, जैसे कि कमल, ठीक। सुमित्रानंदन पंत को किस कृत का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कह रहा सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वह किस कृत पे मिला था, ये बताना है। सुमित्रानंदन पंत एक श्रेष्ठ हिंदी के कवि हैं, आप सब जानते हैं। इनको चितंबरा नामक इनकी रचना पे इनको 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह कविता संग्रह सुमित्रानंदन पंत के काव्य चेतना के अद्वितीय उत्थान का परिचायक है। इसमें युगवाणी से लेकर के अंतिमा तक की रचना का वर्णन है। संखिन सहित हर्षि अतिरानी और सुखत धान पराजन पानी, कह रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है आपको वो बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है, क्या होता है आपको बताना है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार की परिभाषा दिया गया। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, आपको बताना है कौन सा शब्द है जिसका अर्थ तेल होता है। तो आपका आंसर क्या सही होता है, स्नेह, स्नेहक कहा जाता है। तेल को क्या कहा जाता है, स्नेहक। जैसे आपका ग्रीस आती है, मोबिल आता है, तो उसे स्नेहक कहते हैं। शुद्ध हिंदी उसका क्या होता है, स्नेहक होता है। तो स्नेह मतलब होता है प्रेम, किसी से प्रेम रखना, अरुणय रखना, अनुराग रखना किसी से, ठीक है, लगाव रखना, उसे हम स्नेह कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ एक और होता है जिसका नाम क्या होता है, तेल भी होता है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती, कह रहा उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी बोली जो नहीं बोली जाती। अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती, खड़ी बोली भी बोली जाती है, मिथिला कहाँ बोली जाती है। तो आप जानते हैं मिथिला पूर्वी बोली की एक भाषा है, और जो कहाँ बोली जाती है, बिहार से दरभंगा लेकर के नेपाल वाले तराई बेल्ट में बोली जाती है। तो यहाँ पे मिथिला जो मिथिलांचल प्रदेश में बोली जाती है, मिथिलांचल प्रदेश कहाँ से, बिहार से लेकर के दरभंगा साइड से लेकर के नेपाल तक का हिस्सा जो आता है, ये कौन सा हिस्सा होता है, ये मिथिलांचल क्षेत्र कहा जाता है। और मिथिलांचल क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती, मिथिला बोली जाती है। प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उनके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए, यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। क्लियर हुआ, कह रहा है 3 वाक्य दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है और उसके अनुरूप आपको चिन्ह लगाने, कौन सही, अगर गलत है तो आप डी वाले पे लगाते हैं, अगर सब सही है तो चलिए इसमें जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। देखिए विसर्जन नहीं होता, विसर्जित होती, ठीक है। विसर्जन मतलब होता किसी चीज को, जैसे मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, यहाँ पे सभा विसर्जन नहीं होगी बल्कि सभा क्या होगी, विसर्जित होती है, ठीक है। तो गलत कौन सा है, विसर्जन वाली। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आप बताइए, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, ऐसे शब्द को हम प्रत्यय कहते हैं। आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पे मिठास, मिठास में क्या जोड़ दिया गया, आस जोड़ दिया, मीठ है और मीठ में क्या जोड़ दिया गया, आस जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया, मिठास हो गया। तो यहाँ पे क्या जुड़ा है, मिठास।
उच्चारण का संधि विच्छेद करिए, उच्चारण का संधि विच्छेद करना है आपको और बताना है कि सही आंसर क्या है। उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उद्धरणचारण, यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, उद्धरणचारण होता है, ठीक है। जब आप व्यंजन संधि के रूल पढ़ते हैं, जब पहला वर्ण और तीसरे वर्ण के साथ जुड़ता है तो उन दोनों के स्थान पे तीसरा वर्ण आधा आ जाता है, जिसे हम जैसे उद्धरणचारण उच्चारण में होता है। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए, अतः शब्द का समानार्थी बताना है तो परिणामतः होता है। अतः शब्द का समानार्थी क्या होता है? परिणामतः होता है। अमी का तत्सम शब्द बताना, अमी अमी का तत्सम शब्द बताना है कौन सा होता है? अमी का अमृत होता है, अमृत। अमी का क्या होता है? अमृत। और अमृत के जो पर्यायवाची होते हैं, जैसे अमी है, सुधा है, ठीक है, और अमृत है, ये सब किसके पर्यायवाची भी आते हैं। तद्भव शब्द बताइए, तद्भव बताना है आपको, सटक, घात, कांच, गोपाल, कह रहा है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो आपको बताना है। तद्भव यहाँ पे जो है कांच है। आपको एक ट्रिक बताते हैं कि अगर किसी शब्द के ऊपर चंद्रकांत बिंदु पाई जाती है तो 99% ये क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। 99% ये शब्द कैसे होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। अगर किसी शब्द के ऊपर चंद्रकांत बिंदी पाई जाती है तो 99%, हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन 99% तक ये शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। तो यहाँ पे कांच कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। बाकी सभी कैसे शब्द हैं? गोपाल और सटक और घात कैसे शब्द हैं? ये सब तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से, कह रहा है किस उपभाषा से बघेली बोली का संबंध है? तो बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से, किस हिंदी से? पूर्वी हिंदी से। अगर आपने हिंदी वाला वीडियो नहीं देखा है तो भाषा और कृतियाँ, उत्तर प्रदेश की भाषा और कृतियाँ जो हैं, उत्तर प्रदेश की भाषा और कृतियाँ, ये भाषा और कृतियाँ उत्तर प्रदेश की जो होती हैं, इसका वीडियो आप जरूर देख लीजिए, वहाँ पर हमने सारी चीज़ों की चर्चा की है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रकृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रकृति प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, यहाँ पे आपको बताना क्या फील करना है। तो ये आप बताइए, तो वहाँ पे आपको भरना प्रवंचन, प्रवंचन दिन प्रतिदिन बढ़ी जा रही है। विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है, विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है, आपको ये बताना है। विकास के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, विकास के लिए क्या आवश्यक होती है? आत्मनिर्भरता। निम्न में से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं, कह रहा है निम्न में से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है, उसको आपको बताना है। प्रथम और अंतिम शब्द दोनों समान होते हैं, तो कुंडलियों में ऐसा पाया जाता है, कुंडली में प्रथम और अंतिम शब्द जो होते हैं दोनों समान होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, कह रहा है कौन सी संज्ञा? तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, कड़ाही में गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है, कड़ाही में गिरा और चूल्हे में आ पड़ा का भाव है, तो इसका भाव होता है कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरे विपत्ति में आ पड़ना, एक संकट से मुक्ति मिली लेकिन दूसरे में वो जा पड़ा, तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ा। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम शब्द का संधि विग्रह कीजिए, प्रतिदिनम शब्द का संधि विग्रह करना है आपका, तो दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, तो ये प्रतिदिनम का संधि विच्छेद होता है। उसके बाद है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है, आपको इसको बताना है। तो वाक्य में अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय तीन विशेषण है, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय तीन विशेषण हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका सही होता है कितना? तीन। नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति का क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है, बीच में वाक्य में उचित क्रम
लगाएं जिससे पूर्ण अर्थ वाक्य बन सके। आपको बताना कि यहाँ पे एक वाक्य दिया गया जिसको आपको पूर्ण वाक्य में आपको सिद्ध करना है कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो इसके लिए आपको पढ़ करके इस जो पैमाना दिया गया इसी पैमाने से इसको सेट करना होता है। तो जब पैमाने से आप सेट करते हैं तो आपका आंसर जो बनता है, हम आपको आंसर बता रहे हैं, देखिए जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर बनता है आपका एक भौगोलिक सीमा। यानी सबसे पहले कौन आ गया, वह यहाँ पे है, वहाँ पे है, ठीक। एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना की यानी इसके बाद या चाहिए। तो आप यहीं पे देखिए दो ही में आपका क्लियर हो गया कि आपका आंसर क्या सही होगा, ए वाला सही होगा। फिर कह रहा है निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत के मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सोल। कह रहा है कि अगर आपको अपने भाषा जो आपकी नियमित भाषा है अगर इस भाषा का आपको ज्ञान नहीं है तो फिर आप क्या है, आपके हृदय में कोई पीड़ा नहीं है, कोई वेदना नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को आपको बताना कि इससे क्या है, पंक्तियाँ क्या हैं, कौन सा छंद है। तो यहाँ पे दोहा है और दोहा में आप जानते हैं कि इनके चार चरण होते हैं। दोहा एक मात्रिक छंद है, इनके चार चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएँ होते हैं। प्रथम ये इसको एक चरण कहते हैं, इस चरण में 13 मात्राएँ, प्रथम और तृतीय ये तृतीय चरण है, इसमें 13-13 मात्राएँ होती हैं। और यह द्वितीय चरण है और ये फोर्थ चरण है, और इन दोनों चरणों में द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएँ पाई जाती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कब खगोत सम जहतः करें प्रकाश। कह रहा है कि ये जो दिया गया इसमें कौन सा अलंकार, जो पंक्तियाँ दी गई इसमें कौन सा अलंकार है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो यमक अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे सूर्य शब्द दो बार आया है जिसका अर्थ होता है सूर्य और दूसरे का अर्थ क्या होता है, सूरदास। तो जब यहाँ पे दो सूर्य हैं और एक सूर्य का मतलब सूर्य से है और एक सूर्य का मतलब सूरदास से है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होता है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिप देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। कह रहा संघ की राजभाषा हिंदी और लिप देवनागरी होगी, यह किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, 343 में, अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अंतरंग का सही विलोम होता है बहिरंग। वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है,